Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. So today in this video I want to guide about you about skincare. So inshallah jo skincare routine mein aapko bataungi usse aapko zarur fark padega. Aur bhai skincare to har kisi ki life mein bahut important hai, chahe wo ladka ho ya ladki. Aur bhai mehnat bhi nahi karni aur skin bhi achhi chahiye, to is tarike se main aapko ek achhi si routine bataungi. Aap isko follow karenge to zarur acche effects aayenge aapke face pe. Acha ji, to सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें मालूम करना है अपनी स्किन टाइप, हमारी स्किन टाइप कैसी है, क्या है हमारी स्किन टाइप. सो फर्स्ट वी गोना नो योर स्किन टाइप. सो देयर आर सो मेनी स्किन टाइप, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट वी फाइंड आवर स्किन टाइप. सो एंड देन व्हाट डू वी नो, we know type of skincare routine, how many type of skincare routine. There are three type of skincare routine: daily skincare routine, weekly skincare routine, and monthly skincare routine. So first we follow daily skincare routine. So hame daily skincare routine mein kya karna hoga, to ab hum dekhte hain aur aapne isko follow karna hai. Daily skincare routine mein morning skincare routine hai aur night skincare routine hai. Pehle hum le lete hain apna morning skincare routine. To morning skincare routine mein hum use karenge cleanser, Dr. Rashid का वाइटनिंग क्लिंजर है, हम ये यूज करेंगे. आप इसके अलावा भी कोई यूज कर सकते हैं अगर आपको कोई फेवरेट है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप डॉक्टर राशिल का यूज करें. एंड सनब्लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हम डर्माशाइंस का यूज करेंगे, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी. बाकी आप जो है अपना कोई भी पसंदीदा सनब्लॉक यूज कर सकते हैं. ये आपकी हो गई है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन. उसके बाद हम आते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन में. अच्छा जी, आपको ये नाइट स्किन केयर रूटीन में आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्लिंजर है जो कि डॉक्टर राशेल का विटामिन सी क्लिंजर हम यूज़ करेंगे, और टोनर हम यूज़ करेंगे सईद गनी का अर्क गुलाब, और सिरम इस ऑप्शनल, बट अगर हम सिरम यूज़ करेंगे तो हमारे जो फेस पे स्कार्स होते हैं, एक्नी के जो हमारे पास हमारे मुँह पे धब्बे रह जाते हैं, जो भी होता है वो इससे अच्छी तरीके से साफ हो जाता है. अच्छा जी, और लास्ट हमारे पास आते हैं मॉइस्चराइजर. हम एलोवेरा जेल सईद गनी का यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजर के तौर पे, क्योंकि हमारी स्किन को बहुत ही नर्म, मुलायम, ग्रीजी फील आता है ये एलोवेरा जो जेल है. हम ये यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा हमारी स्किन पे. और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीकली स्किन केयर रूटीन. अच्छा जी, तो वीकली स्किन केयर रूटीन में हमारे पास क्या है, अब हम ये देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेप वन, हमारे पास क्लिंजर है, जो कि हम इस बार प्रॉपर क्लिंजर यूज़ करेंगे. हम पॉन्ड्स का क्लिंजर यूज़ करेंगे, और अच्छी तरीके से पहले क्लिंजर को अपनी स्किन पर अच्छी तरीके से हमने लगाना है. उसके बाद हम अच्छी तरीके से फेस वॉश करके स्क्रब यूज़ करेंगे. स्क्रब हम सईद गनी का एप्रिकॉट यूज़ करेंगे, फेस एंड बॉडी स्क्रब. ये बहुत 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 अच्छा है, इसके अफेक्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं. आप लोग सईद गनी जाएं और जल्दी से ये बाय करें. फिर थर्ड पे आता है हमारे पास मास्क, जो कि हम दी बॉडी शॉप का टी ट्री फेस मास्क यूज़ करेंगे. ये हमारे फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड्रेट कर देता है और बहुत ही अच्छा यूज़फुल होता है. फिर हमारे पास आता है टोनर, जो कि मैंने आपको बता दिया है अर्के गुलाब. एंड देन फिर हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजर. अच्छा जी, अब हमारे पास आती है मंथली स्किन केयर रूटीन. मंथली स्किन केयर रूटीन में हमारे पास पहले क्लिंजर, फिर मसाज क्रीम, ब्लीच, स्क्रब, पॉलिश एंड मास्क. अच्छा जी, हम जेंसन का यूज़ करेंगे. पहले मैं सैलॉन जाती थी, बट अब मैंने घर पे ही जेंसन की पूरी किट खरीद ली है, और अब मैं यही यूज़ करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव के फेशियल किट है. आप लोग भी ज़रूर बाय करें और इसको घर में ही अच्छा सा अपना स्किन केयर रूटीन करें. अच्छा जी, जो मैंने आपको जो स्किन केयर रूटीन बताया है, इसको प्लीज़ अच्छे से फॉलो करिएगा, ताकि आपकी स्किन पे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट. थैंक यू सो मच.